दोस्तों राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल, तो आपका बहुत स्वागत है। फिर से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप फिर से हम बात करने वाले हैं। बात क्या करने वाले हैं, डब्बा यहाँ पर हम खोलने वाले हैं। ये वाला है कि फिटबिट जैसा यहाँ पर कुछ एक वॉचेज हमारे पास, शायद ये चाइनीज है। इसका मॉडल नंबर 96SW है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर और क्या क्या है, टाइम है, म्यूजिक, सिम, गैलरी, नोटिफिकेशन, फाइंड माई फोन, गैलरी, फाइल मैनेजर, वॉइस कंट्रोल, कैमरा रिमोट, एंटी लॉस्ट अलर्ट, पीटी म्यूजिक और भी काफी कुछ है। इसमें स्लिप है, रिमाइंडर है, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। तो इसे डब्बा खोल लेते हैं, थोड़ा खोला हुआ है ये। जो इसके अंदर यहाँ पर हमें सामान मिलता है, इसको साइड में रखते हैं। ये इसकी चार्जिंग केबल है, ये इसकी बैटरी है, बैटरी यहाँ पर पीछे हम लगा सकते हैं, और इसका कवर भी है। सब कुछ जो है मैंने पहले यहाँ पर खोल के रख लिया था, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर हम बैटरी यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर हम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, एक सिम कार्ड लगा सकते हैं, और अपने मोबाइल को जो है ब्लूटूथ के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं इस वॉच को, या फिर सिम डालकर डायरेक्टली इससे कॉल भी कर सकते हैं। तो इसमें म्यूजिक के लिए सब कुछ यहाँ पर दिया गया, वाइब्रेटर मोटर भी इसके अंदर लगाई हुई है। तो हम जो इसमें बैटरी इंसर्ट करते हैं, काफी टाइट बैटरी है, इसको लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और इसे ऑन करके देखते हैं, चार्ज है या नहीं है पता नहीं, देखते हैं। अगर ऑन होती है तो बिल्कुल ही ऑन हो गई है। तो इसमें जो इमीडिएट एक का एक हल्का फुल्का सा आपको मिलता है प्रोसेसर, और छोटी सी डिस्प्ले के साथ जो है ठीक ठाक यहाँ पर वॉच है। लगभग 1000 रुपए इसकी कीमत है, और इसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इसमें मेन्यू में जाते हैं, टच स्क्रीन काफी ठीक ठाक इसकी जैसा ही देख पा रहे हैं। बीच में आपको जो एक वॉच मिलती है, और चारों तरफ से काफी सारी एप्लीकेशन मिलती है, जैसे की सेटिंग है, कैलेंडर है, अलार्म है, वॉइस रिकॉर्डिंग, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, और कैमरा भी मिलता है इसमें, जैसा की आप देख पा रहे हैं। कैमरा ठीक है, इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है तो कैमरा शायद काम नहीं करेगा, तो इसको बैक कर देते हैं। तो ये सब इसमें है, नॉर्मल सी है, अगर आपको चाहिए तो ले लेना। साइड में जो आप यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर लगा सकते हैं, और शायद बाहर से आपको काफी सारी यहाँ पर नॉइस निकल के आ रही होगी, लेकिन क्या करूँ, ऐसे ही प्लेस के ऊपर हूँ अभी मैं। यहाँ पर एक माइक्रोफोन होल दिया गया है, स्पीकर आउटपुट साउंड के लिए कुछ छेद यहाँ पर मिल जाते हैं, और बस कुछ है नहीं इसमें स्पेशल। इधर जो है ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, और लाइट बंद करने के लिए काफी कुछ ही आपको करके देती है। अगर आपका फोन इधर उधर खो जाता है तो इसे आप ढूंढ सकते हैं, एक की दबाकर काफी सारी साउंड बाहर से निकल के आ रही है, और मतलब ठीक है जो भी है आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये है बात से, और इस प्रकार से हो जाती है शुरू। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को पहले सब्सक्राइब, ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दे, वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।